नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी मोदी जी रशिया के कजान में गए थे ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए, और वहां पर गोदी मीडिया ने बायलैटरल जो मीटिंग हुई थी चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। 4.5 साल के बाद मोदी जी ने वो काम कर दिया जो कि किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हमारे जो संबंध थे भारत और चीन के, वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि गलवान में आपने देखा था कि किस तरीके से 2020 में 20 जो भारत के जवान थे वो मारे गए, और उसके क्लैशेस के बाद जो दोनों देशों के बीच में संबंध में एक बर्फ सी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे राउंड्स की बातचीत हुई, मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बहुत सारी बातचीत हुई, और अंत में जाकर ये बताया जा रहा है कि 4.5 साल बाद मोदी जी जो राष्ट्रपति चाइना के हैं जी जिनपिंग, उनसे मुलाकात करके एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मोदी जी ने, आपको याद होगा, 4.5 साल पहले ये कहा था कि ना कोई आया है, ना कोई आया था और ना कोई आएगा, अगर उस तरीके का कमेंट उन्होंने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में किया था, तो फिर ये जो डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की बात हो रही है, ये आखिर क्या है? मोदी जी ने तब झूठ बोला था या मोदी जी आज झूठ बोल रहे हैं? और चाइना के ऊपर ही एक व्यक्ति है जिन्होंने लगातार इस चीज को रेखांकित किया कि भारत की जो जमीन है उस पर किस तरह से चीनी आर्मी ने कब्जा किया, और बीजेपी के अंदर रहकर उस शख्स ने लगातार इस आवाज को उठाया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि वरिष्ठ बीजेपी के ही नेता है, मोदी सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं, मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं मोदी जी इनकी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते। आज डॉक्टर स्वामी हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप पब्लिक इंडिया पर जुड़ने के लिए। सर, पहला सवाल यही है कि ये जो द्विपक्षीय वार्ता जो बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री और मोदी और जी जिनपिंग के बीच में हुई है, आपका, अगर आप एमईए का स्टेटमेंट उठा के देखें तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, हमने जो डिस्प्यूट्स हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसको हम और डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या ये बेफजूल की बातें हैं या फिर देश को एक बार फिर से गुमराह किया जा रहा है? जी साधारण जब किसी नेता को अपने देश देश की तरफ से जो भी समझौता करते हैं उसको छिपाना नहीं होता है, छिपाने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती, तो फिर वो दस्तावेज सामने रखनी चाहिए कि ये हुआ, इस पर दस्तखत हुआ। दस्तखत तो हुआ, सबको पता है, पर दस्तखत हुआ उसकी जो फोटोकॉपी है उसको बाहर करनी चाहिए। इन्होंने नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया है। मैं ये पूछने चाहता हूं कि 2020 में मैंने पहली आवाज उठाई थी, जब मुझे मिस्टर अमित शाह सब जगह दुनिया में बोलते थे मैं प्रो चाइना हूँ, ये है वो है। अब पता नहीं वो कहाँ चुप होकर गायब हो गए, मिस्टर अमित शाह साहब। आज मैं ये पूछता हूँ कि जो चाइना ने जमीन हड़प की थी 2020 में, उसके बाद लगातार देपसांग से पार करके जो जमीन उन्होंने, जो पहाड़ है, और उस पास देपसांग में बहुत बढ़िया पास है, तिब्बत तक ले जाएगी आपको, उस पास को आकर हमारी सीमा को, जो कभी यानी उसमें कोई विवाद नहीं था, उस विवाद के न विवाद होने की जो सीमा है उसको पार करके इन्होंने अपनी तंबू सब वहां लगवाई। चाइना ने उस वो पीछे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो मैं यह पूछने चाहता हूं, सीधी बात, आपने जो समझौता किया है और उसकी जय जयकार तुम्हारी चमचे जो ऑफिस में है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री में है, वो सब कह रहे हैं ये हुआ वो हुआ, हम आपकी उनकी बात नहीं सुनने चाहते हैं, क्योंकि वो थे भी नहीं जो बात हुई थी जिसमें उन्होंने दस्तावेज तैयार की थी। वो उसमें उसको उसकी फोटो कॉपी इनको हमें दिखानी चाहिए टेलीविजन में, या वो फोटो कॉपी को व्हाइट पेपर के रूप में परिवर्तित करके इसको बेचना चाहिए, इसको देना चाहिए सबको। और आप लिख कर पूछोगे भी नहीं बताते,
मेरे तो कोर्ट में केस पड़ी हुई है कि जब उन्होंने कहा कि चाइना हमारी सीमा पार कर नहीं आई, तो हमने कहा कि आप उसका फोटोकॉपी दिखाइए। आज तक राजनाथ ने राजनाथ विश्व विवश है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में जवाब मुझे ये दिया कि ये हमारे लिए सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? चाइना का कोई हमने हड़प किया है तो सीक्रेट हो सकती है, पर चाइना हमारी जमीन को हड़प किए उसको सीक्रेट कहना? तो ये सारा फ्रॉड है। चाइना के सामने ये झुक गए, चाइना के जो चाइनीज अखबार हैं उनको ट्रांसलेट करके पब्लिक को देने बोलिए, उन्होंने कहा शी जिनपिंग के अभूतपूर्व विजय, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो उसमें उन्होंने डिटेल्स भी दिया है, विदेशों में भी छप रहा है, परंतु यहाँ के अखबार किसी को हिम्मत नहीं है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ तो मोदी जी की जीत सरकार हो रही है कि उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात करके एक बहुत बड़ा डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट साइन कर लिया। देश दुनिया में सारे आतंकवादी या जो डिक्टेटरशिप कहते हैं अधिनायकवादी, उनमें सब यही होता है, अखबार में जो छपता है सब झूठ होता है। मैं कहता हूं कि इतना ही मैं चाहता हूं कि जो आपने दस्तखत की उनके साथ उसको आप पब्लिक कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूं किसी अखबार पर विश्वास करें। नहीं डॉक्टर स्वामी, आप कह रहे हैं कि जो अभी अभी जो हाल का जो ये डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट है उस पर जो दस्तखत मोदी जी ने किए हैं, आप कह रहे हैं उसको पब्लिक में लाएं? हाँ ओके, उसको पब्लिक में दिखाई हुई, हमारी जीत हुई, चाइना वापस चले गई, जो पहले पहले लद्दाख में आई थी, फिर देपसांग में आई थी, कांका आई थी, और यानी दक्षिण की जो हिस्सा है लद्दाख का उसमें भी आई, तो ये सारी चीजों को फिर गलवान का क्या हुआ, आखिर में क्या फैसला हुआ, ये सब हम देखने जाते हैं। वो एनईए का स्टेटमेंट है डॉक्टर स्वामी, वो ये कहता है कि भाई वी विल वांट अ स्टेटस को एंटे ऑफ 2020, यानी कि जो पोजीशंस 2020 में थी उसके लिए हम लोगों ने अग्री किया है, और अब ये फर्स्ट स्टेप है हम डिसएंगेज। वो बोलने से मैं नहीं विश्वास करूंगा, ये सब चमचे लोग हैं आजकल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और उनको डंडा मिलेगी यदि वो कोई दूसरी बात करेंगे। तो आपके हिसाब से मोदी जी ने असलियत में कजान में क्या किया है? मोदी जी की जब मीटिंग हुई है, चाइना ने किया है जो 2020 में उन्होंने जमीन ली, जो फिर उसके बाद देपसांग में पार करके, क्योंकि देपसांग में पार करने के बाद फिर पाकिस्तान जाने के लिए बहुत आसान हो जाता उनके लिए, और ये सारी चीजों में जो हुए है ये देश में किसी को नहीं बताया। और मैंने खुद राजनाथ से बात की थी, मुझे जाने दो, मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, डिफेंस कमेटी का मेंबर भी था, तो मैं मुझे जाने में उनको क्या प्रॉपर्टी होती, कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ बट इस पर बोलना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, वो भी मान लेता। इतने डरे हुए हैं कि मैं पता करूँ कि इन्होंने ब्लैकआउट किया था हमारे अखबार में, हमारे अखबारों के जो जो जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स, इन किसी को हिम्मत नहीं है। आपके जो अब प्राइवेट में आप चला रहे हैं उसी में कुछ खबर मिलती है आजकल, आज जो हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सारे जो अखबार हैं ये तो चमचे पेपर्स हो गए हैं सब। नहीं लेकिन जो इस पूरी डॉक्टर स्वामी, ये जो पूरी द्विपक्षीय वार्ता है इसको इतना बड़ा चढ़ाकर ये बताया गया कि बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, और 4.5 साल से जो रिश्ता बिल्कुल बर्फ पड़ चुकी थी, जिस रिश्ते पर उस बर्फ को पिघलाने मोदी जी गए थे। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके का एमईए का स्टेटमेंट आया है उसके क्या मायने हैं? मैं आपका एक ट्वीट भी देख रही थी जो 23 घंटे पहले का ट्वीट है, आपने लिखा है कि मोदी इन फ्यूचर विल बी रेफर टू एज इंडियाज चेंबरलेन, हु इज द ब्रिटिश पीएम ऑफ 1930s। ब्रिटिश पीएम हैड मेड अ डील विद हिटलर अग्रीइंग टू हिटलर्स ग्रैब ऑफ चेकोस्लोवाकिया फॉर स्पेयरिंग पोलैंड। The agreement was soon flouted by Hitler to acquire Poland, and so Chamberlain had to resign. आपने इस ट्वीट में लिखा है, आपके कहने का मतलब क्या है, और उसको अगर मोदी जी के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मोदी जी, मैं तो उसको मोदी जी भी कहने के लिए मुझे शर्म आता है, वो कौन सा जी है या कौन सा जीवी है? मैं पूछने चाहता हूँ, अपने देश की जो जमीन को इस तरीके से चाइना को दे देना,
और फिर उस पर यानी लड्डू बांटना, ये तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है। मैं कहता हूँ तुम्हारी सारी बातों को छोड़िए, मुझे वो डॉक्यूमेंट जहाँ दस्तखत दी है उसको उसको पब्लिक करिए, वो चाइना के साथ आपने साइन करिए, कौन सी ऐसी रहस्य होगी जो आप उसको दिखा नहीं सकते। चाइना से हमारी दोस्ती होती तो मैं समझ सकता हूँ, वो तो दुश्मन है। और आपने कहा कि हमने अग्रीमेंट कर ली, चाइना सब जगह से वापस जो रही है, दिखा दीजिए। मेरा जो खबर है चाइना से, वो सब वहां खुशी मना रहे हैं कि इस मोदी को हमने दबा दिया। मोदी को दबाना उनके लिए आसान है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए थे चाइना, और वहां क्या हुआ जिस कारण से मोदी जब दब जाता है, ये मोदी बता सकता है। मैं बताऊंगा, आज तक मैंने आपके इतने इंटरव्यूज किए लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, आपने हर इंटरव्यू में इसका जिक्र किया लेकिन वो जवाब हमें नहीं मिल पाता है कि मोदी जी की चाइना के आगे मजबूरी क्या है, वो क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं शी जिनपिंग के आगे? क्या उन्होंने कोई कोई ऐसा समझौता, उनकी कोई सीक्रेट डील हो गई है जो कि वो पूरे देश को नहीं बताना चाहते, वो केवल अपने तक रखना चाहते हैं क्या? नहीं, वो तो आज की बात है कि वो जो उन्होंने समझौता की है वो दिखाने नहीं चाहते। पहले भी कहते कोई आया नहीं कोई गया नहीं, अब मानते हैं कि हाँ। आप देखिए, आप ही बताइए, जब उन्होंने बार बार ये कहा था और सब ये तोते जैसे बोलते रहे बाकी उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कि कोई आया नहीं कोई गया नहीं, अब तो वो मानते हैं कि आया भी था और गया भी गया है और उसका हमने समझौता किया। अच्छा, हमें तो कम से कम समझौता की कॉपी दिखा दो। ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारत माता की यह प्रॉपर्टी है, आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? अब अकबर ये सारे चमचे जो ऑफिसर्स हैं वो हा 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 ऊ हा हा ऐसे कहने से मैं प्रभावित नहीं हो सकता, बाकी लोग पागल हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। आपने बड़ी, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, आपने कहा कि ऑलरेडी इतना ट्रस्ट डेफिसिट था चाइना के अग्रीमेंट्स को लेकर, तो अब मोदी जी को कम से कम उस समझौते की कॉपी पूरे देश के सामने रखनी चाहिए, भारत के विपक्ष के सामने रखनी चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कोई भी कारण ना हो, परंतु ये शिष्टाचार है कि भारत की तरफ से आप कोई समझौता करेंगे विदेशी से, उसका यानी वो भी जो विदेशी तुम्हारा दुश्मन रहा अभी तक आपके कहने पर, और उस दुश्मन से आपकी समझौता हो गई, तो हम जानने चाहते हैं। किसी दूसरे देशों में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो भी अग्रीमेंट हुआ वो उसको छापते हैं, उसको पार्लियामेंट के फ्लोर में रखते हैं, टेबल में रखते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कौन सा सीक्रेट है? नहीं तो अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा सीक्रेट है, आपने पूछा, मान लीजिए मोदी जी उस समझौते को नहीं बताते लोगों, फिर क्या करेंगे और फिर क्या होना चाहिए? नहीं, फिर तो अब हम तो वैसे भी कोर्ट में हैं, बेचारे कोर्ट को कितना हम बोझा, कोर्ट को सरकार की एक विकल्प तो नहीं बना सकते। तो मैं यह समझता हूँ कि पब्लिक को यह जाने और बीजेपी को जिताएं परंतु मोदी को हराएं, ये मैं सब जगह कह रहा हूँ और कहते आया हूँ। और लगभग उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी वाराणसी में इस बार, और मैं ये कहता हूँ हमें तो मेजॉरिटी भी चले गई, ये जो मेजॉरिटी को खो बैठा है वो जाति भारत की तरफ से इस प्रकार की समझौता करें और हमें पता भी नहीं हो क्या समझौता है, हम अखबार वालों से विश्वास नहीं करते, हम ये फॉरेन मिनिस्ट्री से विश्वास नहीं करते, ये सारे चमचे लोगों का वही कहेंगे जो उनको बताया जाता है, उनको भी नहीं पता है, उनको जो बताया गया वही होगा। नहीं, पर डॉक्टर स्वामी आप तो सवाल इस पर खड़ा कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई समझौते की कॉपी पूरे देश को दिखाई जाए, पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो कौन क्या कर लेगा मोदी जी का? कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं बोलते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोकतंत्र में हैं तो हम तुरंत बंदूक उठा करके उसको जेल में भेजने के लिए खड़ा कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम चाहेंगे कि अगले चुनाव में पब्लिक का वो करे जो ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया बीजेपी को जिताना चाहिए परंतु मोदी को हराओ, और वो लगभग इस बार ऐसा हो गया था और फिर भी वो बैठ गए चंद्रबाबू नायडू को पकड़ के लाए जो कल तक उसको गाली दे रहे थे।
चाइना के समझौते पर ही आना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है, अगर मोदी जी इन बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं पूरे देश से या विपक्ष से, पार्लियामेंट के पटल पर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा जा रहा, हो सकता है अभी एस जयशंकर कुछ बात कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि सीक्रेट डील अगर हुई है या कोई सीक्रेट डील हुई है वो क्या हो सकती है? मोदी जी का क्या फायदा है इसमें? आपने सरेंडर किया है तो जहाँ जो लोग जूता मार रहा है मार देंगे यदि पता लग जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि चाइनीज के अखबार में आएगी उसको हम यहाँ कहेंगे तो कहेंगे चाइनीज तो वहाँ तो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होती, वो ऐसे ही लिख देंगे ये सब तुम चाइना का पक्ष ले रहे हो, इस प्रकार के अनाप शनाप बात करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे हक में तुमने साइन की है तो दिखा दो, कुछ साइन किया है, क्या साइन किया है तुमने, क्या क्या छोड़ दिया है ये हमें जानने चाहते हैं, या क्या क्या जो छूट गई उसको वापस ले ली वो दिखा दो लिखित में, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया में तो सब जगह सब इसको म्यूजियम में रख देते हैं कि देखो हमने कर दिया। जब वो हिटलर के साथ चेम्बरलेन ने समझौता किया उसने कागज लिखा के दिखाया, देखो मैंने उसको उससे वचन ले ली कि वो पोलैंड को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन वो घर जाते तक उसने पोलैंड को भी अटैक कर लिया, तो और क्या हुआ फिर चिम्बरलैंड? आपका डर क्या है कि मोदी जी क्या चीज छुपा रहे हैं? आपने कहा बहुत सारे बहुत सारी चीजों पे उन्होंने रॉन्ग लगाया होगा, मुझे कोई डर नहीं है। प्रधानमंत्री गद्दार के रूप में आए हैं, इसको ठीक करना है, उसको गद्दी से उतारना है, ये मेरी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। और मैं कहता हूं कि जब चेम्बरलेन को हटाने के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल वो पब्लिकली बोलता था और पब्लिक वहां विंस्टन चर्चिल को साथ दिया, कहा कि ठीक कर रहे हो तुम, हमें गुमराह कर रहे थे उस गुमराह से हम लोगों को बचाया। तो मैं हमारी सहित हमारे लोकतंत्र है, ये तो कोई चाइना का यानी सिस्टम नहीं है कि वो मोदी जी कह दिया वही होगा, ये तो हमारे डेमोक्रेसी में नहीं है, नहीं तो उसकी वोट इतनी कम क्यों होती? पब्लिक ने कहा कि नहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई शी जिनपिंग और मोदी जी की, इसके क्या मायने हैं? क्या कोई मायने है भी? मायने है कि हमने चाइना को कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, अब कम से कम इससे ज्यादा मत करिए क्योंकि हमारी समस्या हो जाती है। दूसरा है कि अमेरिका इस द्विपक्षीय वार्ता में मोदी जी ने शी जिनपिंग के आगे आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसका पांव नहीं छुआ पर बाकी सब कुछ किया, और कि उसकी चुप क्या बात हुई उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्या बोले उसका, वो तो इसमें कोई सीक्रेट की बात नहीं, पहले भी 17 बार वो पैदल गए इसके साथ शी जिनपिंग के साथ, उस समय शी जिनपिंग ने ये तय कर लिया ये मूर्ख है, इसको इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने हमें धमकाया और उस डर में आज उसने जाकर सरेंडर कर दिया। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि मोदी मूर्ख है, आपको किस एंगल से मूर्ख लगते हैं? अगर मूर्ख होते तो इतनी अच्छी सरकार और इतने लंबे समय तक वो सत्ता में बने रहते? देखिए आप जैसे लोग भी उनसे भी ज्यादा मूर्ख होंगे, इसीलिए मैं कई चीजों है जो इंदिरा गांधी के बारे जब मैं बोलता था तो यही सवाल पूछते थे, वो बेटी है जवाहरलाल नेहरू को आप इस तरीके से उसकी आलोचना कर रहे हैं, एक एक बात सही निकली, इमरजेंसी बकवास है ये, इसमें तानाशाही है, कोई बसेस टाइम पर जा रहे हैं ये कोई कारण नहीं हो सकता, तो आखिर में पब्लिक ने मेरी मानी उसको इंदिरा गांधी को हरा दी, तो आज भी मैं कहता हूँ कि इसको तो लगभग हरा दी, इस बार मैं कहता हूँ अगले चुनाव में निश्चित ये हारेगा। तो ये है, मैं तो लोकतंत्र की रूपरेखा में मैं बोल रहा हूँ, इसके बाहर तो नहीं जा रहा हूं, मुझे अधिकार है पब्लिक को बताने के लिए और मैं बता रहा हूँ पब्लिक को, ताकि कल कोई ना कहे आप उस समय चुप क्यों थे,
ये है। बीजेपी में किसी से बात हुई इस मसले को लेकर, इस विजिट को लेकर, जो ये कजान की विजिट थी मोदी जी की, क्यों अचानक से ये बायलैटरल मीटिंग हो गई? हमें ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर बहुत समय से प्रयास चल रहा था। मैं किसी का नाम लूंगा बीजेपी में तो उसको निकाल देंगे कल, समझे? तो मैं क्यों उसको दिखा? कई लोग मेरे घर आते हैं चुपचाप 8 बजे के बाद, और किसी, मैं अपने जो सारे लोगों जो हैं उन सबकी, जो पुलिस वाली है, तो उनको कहता हूँ एक आ रहे हैं उसको मत पूछना, वो मेरे घनिष्ठ मित्र है, तो आकर मिलकर जाते हैं मुझसे, कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। कई ऑफिसर्स बोलते हैं मुझसे, एक यानी कई हिम्मत से बोलते थे, जैसे वीके सिंह था, वो हिम्मत से मुझे मुझसे मिलते थे, और देखो क्या कर दिया उनको। सबसे ज्यादा वोट लाने वाला नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, 2 पार्लियामेंट सीट में 2 बार उन्होंने दिखा दिया कि कितना पॉपुलर है, गाजियाबाद से जीत कर आए, कहीं भी खड़े होते थे जीत जाते। अब उसको पहले टिकट नहीं दिया, और दूसरा यानी जो आदमी सबसे ज्यादा वोट से जीता उसको टिकट क्यों नहीं दिया तीसरी बार? ईर्ष्या से, डर से, और फिर उसको बाहर भी कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि आज ये जो चल रही है हमारी देश, ये लोकतंत्र संस्कार में, लोकतंत्र ढांचा में नहीं हो रही है, ये हो रही है कि सबके डर। आप पत्रकार, आप तो उस पत्रकारों में नहीं है क्योंकि आप अपना चैनल चला रहे हैं, आप धैर्य से चला रहे हैं, परंतु ये जो जो जिन लोगों ने नाम कमाया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये तो ऐसा कांपते हैं कि वो हिरण जोशी आ जाए उनके कैबिनेट कमेटी से, क्या कैबिनेट कैबिनेट जो सरकार की बनी हुई है उसमें से आ जाए कि पूछें ये कैसा आपने कर दिया, एक फोटो कैसे दिखा दिया। इस प्रकार से वो डराते हैं और डरते हैं। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मेरी बेटी एक न्यूज़पेपर में है, कौन सी बात मुझसे छिप सकती है? यानी ओपनली जो मेरी बेटी छोड़िए, इतने पत्रकार मुझसे बात करते हैं, उनको जानते हैं, मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा। तो इस माहौल में हम लोकतंत्र के नाम से हैं, इस लोकतंत्र को वास्तव में बनाने के लिए ये सारी बातें आनी चाहिए। कल कोई नहीं कहना चाहिए आपने उस समय क्यों नहीं बोला, जैसे इमरजेंसी में लोगों ने, कई लोगों से पूछा कि आप उस समय क्यों नहीं बोले, आज इंदिरा गांधी की बुराई कर रहे हो, उस समय क्यों नहीं बोले? तो आज मैं ये कहने चाहता हूं कि जो भी लोग हैं उनको ये मांग करनी चाहिए। मैं तो एक एक पत्रकार जाकर बोलना चाहिए एक्सटर्नल प्रेस में, हमें कॉपी चाहिए जिस पर दोनों की दस्तखत है। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में टाइम लगेगा, बट वो परवाह नहीं, कम से कम एक दिन तो पता लग जाएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि मोदी जी समझौते को पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं या पत्रकारों को नहीं बताते, विपक्ष को नहीं बताते, तो क्या डॉक्टर स्वामी कोर्ट जाएंगे? नहीं, मैं कितने चीज में जो कोर्ट जाऊंगा, और मैं वकील भी नहीं हूँ, मैं जल वकालत करने जानता हूँ, परंतु मैं वकील नहीं हूँ, मैं हर चीज में जा रहा हूँ। अरे हमारी ये जो प्रीएम्बल है उसमें सेक्युलरिज्म सोशलिज्म जोड़ दिया इंदिरा गांधी ने, इसको हटाने के लिए मोदी, मैंने पहले तो सब कहते थे हम हटा देंगे, हम जब बीजेपी पूरी बहुमत से आएंगे हम हटा देंगे, बहुमत है नहीं हटा सके, तो मुझे कोर्ट में जाना, अब उसमें कितने समय लगती है, और मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, मैं किसी से पैसा देता नहीं हूँ, तो मैं कहीं को यानी ये सारा मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितने करूंगा इसमें भी मैं भी करूंगा। ये जो हमारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वो हमें धोखा देंगे तो मैं कोर्ट में जाकर उसकी कहूंगा कि इसने धोखा दे दिया, इसने देश में गद्दारी की, ये कैसे कह सकता हूँ मैं? और करें ना, इतने लोग बड़े बड़े वामपंथी लोग हैं, बड़े बोलते रहते हैं, उनको क्या डर है कुछ छिपाने के लिए? तो ये कजान में जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, इसमें आपने कहा कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है, आपने ये भी कहा कि मोदी जी ने देश के साथ गद्दारी की है, समझौता इनको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। अब ये सारी चीजें जितनी भी आपने कही हैं,
क्या आप ये वाकई में कह रहे हैं कि मोदी जी भारत और चीन के संबंधों पर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से और झूठ? वो डर के मारे सरेंडर कर दिया। जो मसाला है चाइना के पास, जो उन्होंने मुझको बताया देखने लायक नहीं था, और उस मेरी तो बहुत दोस्ती थी चाइना से, मैं चाइनीज भाषा जानता हूँ, मैंने चाइनीज पर पुस्तक लिखी है, मेरे विद्यार्थी जो हार्वर्ड में थे आज बड़े बड़े मिनिस्टर्स बन गए हैं, तो मेरा तो बहुत अच्छा ही रिश्ता थी। परंतु जिस दिन उन्होंने हमारी जमीन जो पहले तो नरसिम्हा राव काल में मैं भी था उस समय मिनिस्टर, हमने ये तय किया कि अब जो हो गया इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगा, अब उन्होंने बढ़ा दी 2020 में, और उसके बाद मैंने कहा कि ये धोखेबाज हैं, इनका विरोध करना चाहिए। ये शी जिनपिंग वो नहीं था जो पहले तेंग शाओपिंग था, ये तो एक डाकू जैसा आदमी है, तो इसीलिए इसके लिए इसका विरोध करना चाहिए ताकि अंदर रशिया चाइना को भी पता लगे कि भाई इंडिया में लोग खड़े हो गए, हमारे लिए एक और दुश्मनी पैदा हो गई। उसके जगह में वो सब हंस रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पांव में गिरने के लिए भी तैयार था। और ये हुआ एक बार, ये पिछले जब इंडोनेशिया में शी जिनपिंग के पास गए और वो सबसे चार पांच लोग थे सोफा में बैठे थे, ये खड़ा था, इसको बैठने के लिए कहा भी नहीं था कि भाई प्लीज सिट नेक्स्ट टू मी, ऐसा कहना चाहिए था, वो शिष्टाचार था। परंतु शी जिनपिंग ने नहीं कहा, उस शी जिनपिंग के जाकर उन्होंने उसके पांव छू ली और कहा कि आप जो कहेंगे हम दस्तखत कर देंगे और उसको हम छिपा के रखेंगे, आप भी छिपा के रखे। उन्होंने कहा नहीं, हम चाइना में तो चाइनीज में तो पब्लिश कर देंगे, तो अभी मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, फिर कहेंगे नहीं ये झूठा ट्रांसफर है, ट्रांसलेशन है, ये ऐसे ऐसी ये जो सारी बातें हैं डॉक्टर स्वामी, ये मोदी जी के आचरण के बारे में क्या कहते हैं? अगर दो तीन लाइन में कहूं तो मोदी जी का क्या आचरण इससे दिखता है? पहले कहना चाहिए तो तुम कहां थे जब उसकी वकालत की, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए तो मुझे तो प्रायश्चित पहले करना चाहिए ना, तो प्रायश्चित पूरा होने के बाद ये सवाल पूछे वो मोदी क्या है, क्या आपको पता लगा? ओके, इसमें दो तीन चीजें भी काफी चर्चा में है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करूंगी। और वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा अभी कि एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे अपने पैतृक गांव में, और उन्होंने कहा कि देखिए जब मैं बाबरी मस्जिद और जब राम जन्मभूमि का जब वर्डिक्ट लिख रहा था तो मैंने भगवान से याचना की थी, और भगवान से याचना करने के बाद मैंने वो वर्डिक्ट लिखा। उसके बाद से काफी उनकी आलोचना हो रही है कि भाई एक जज को संविधान की याचना करनी चाहिए तो भगवान की याचना करके क्यों वर्डिक्ट लिखते हैं, आपका क्या मानना है सर? नहीं, आप भगवान से प्रार्थना करोगे याचना करोगे उसमें कोई यानी परस्पर विरोध कोई बात नहीं होगी, यानी संविधान में ये लिखी है और आपने भगवान से ये मांगा, उन्होंने ये मांगा होगा कि मैं सद्बुद्धि के साथ करूं, मैं सही निर्णय दूं, इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। अब ये सब गधे लोग जाकर उनके ऊपर टूट पड़े, क्यों? वो तो वो सच बोले, यानी वो मनुष्य नहीं है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू है नहीं, लेकिन एक जज को इस तरीके से ओपनली अपने हिंदू होने को क्यों दिखाना? क्यों? हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू हिंदू का नाम नहीं ले सकते हो, हमने तो आर्टिकल 29 में तो सीधा कहा कि हिंदू का परिभाषा भी दे दिया हमने, जाकर पढ़िए उसमें कि हिंदू कौन है, हमारे संविधान में लिखी है आर्टिकल 29 ऐसा कुछ है। हमारी संविधान में कोई इसमें बात की शर्म नहीं है कि, और वो शुरू में यही कहते हैं कि सब सर्वधर्म समभाव, ये तो सिर्फ हिंदू कहता है और कोई नहीं कहता, कोई मुसलमान कभी कहता है, कोई क्रिश्चियन कभी कहता है, तो इसीलिए हमारी सिद्धांत और हमारी जो धर्म की सिद्धांत है उसके अनुसार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी है, इसमें कोई परस्पर विरोध विषय नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, आप अभी हिंदू धर्म का जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि ब्रिक्स की करेंसी भी रिलीज की गई, और उस रिलीज में जो बाकी देश थे
किसी ने जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लगाई, किसी ने कुछ लगाया, हमारे देश से ताजमहल को लगाया गया है, आपका ट्वीट ही जब मैंने देखा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मोदी जी वाकई में एक अच्छे हिंदू आप उनको समझते हैं? नहीं, वो अच्छे हिंदू नहीं है, हिंदू पैदा हुए तो इसीलिए वो हिंदू का है उनका, परंतु अच्छे हिंदू तो नहीं है, भ्रष्ट हिंदू है और डरपोक हिंदू है जो खड़ा नहीं हो सकता है दुश्मन के सामने, तो वह ये मैं कह सकता हूँ, वो हिंदू नहीं है ये तो नहीं कह सकता, ये तो मेरे पास अधिकार नहीं है, मेरा नाम स्वामी हो सकता है, पास अधिकार नहीं, नहीं है। ब्रिक्स की करेंसी में ताजमहल क्यों, कुछ और भी हो सकता था उसको, वो तो मैं और या कह दो कि ताजमहल हिंदुओं ने बनाई थी और उसको शाहजहां ने हड़प करके उसको वहां एक दफन कर दी उसकी बीबी की, ये ऐसा कहो वो तो कैसे, वो पहले एक मंदिर थी वहां, वैसे ताजमहल जहाँ थी वहां मंदिर नहीं बनी, मंदिर नहीं थी पहले, मंदिर थोड़ा दूर में था क्योंकि मैं रानी जा जो जयपुर की है उनके उनके जो वारिस थे वो उन्होंने ही जमीन दी थी, और मैंने वो उन्होंने मुझे दिखाया कागज जिसमें शाहजहां लिखते हैं उनके जो राजा थे उस समय जयपुर के कि मुझे आप ये जमीन दीजिए, मैं इतना छोटा छोटा आपके लिए दे दूंगा उसके संदर्भ में, तो उन्होंने राजपूत की राजा की जमीन को ली और उस जमीन में बहुत शानदार मंदिर थी उसको तोड़ा, पर वहां उन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, यानी ताजमहल नहीं बनाई, उन्होंने दूसरे जगह में बनाई थी थोड़ी दूर में, परंतु उस सारी चीज को साफ किया, जो भी हिंदू का कोई भी निशान होगा उसको साफ करने के लिए किया था, तो अब हो गया अब हाँ वो किसी मंदिर पर बनाते तो फिर हम कहते हैं ताजमहल को भी कहीं और हटवा के रख दो, परंतु वो क्योंकि उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़कर मस्जिद बनाया या जो भी उन्होंने बनाया। एक सवाल और करना था मुझे कि एक या दो सवाल बस आखिरी के करूंगी कि जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है लेडी जस्टिस, उसको भी बदला गया है और उसको लेकर भी काफी शोर मच रहा है कि उनके जो आंखों की काली पट्टी थी वो हटा दी गई, उनके एक हाथ में संविधान दे दिया गया है, आखिर क्या जरूरत थी उसको बदलने की, आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? अब ये पागल लोग हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है, हम आधुनिक काल में हैं, आधुनिक बात करनी चाहिए, वो सारे लेकर आकर उसको बनाना, मैं तो समझता हूँ कि सबका दिवाली पद निकली है, मैं ये कहता हूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी लानी है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में ही लाइए, नहीं तो मत लाइए। बच्चों जैसा इन्होंने जो भी किया है उसको छोड़ दो, मूल बात है कि हमारी जमीन जो चाइना ने हड़प की थी 2020 से उसको वापस आपको मिला कि नहीं मिला, और यदि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है तो उसको गद्दी से हटाओ और उसके लिए जो भी उपाय है लोकतंत्र में उसको उपयोग करो, भीड़ जाकर उसको घेराव करना है तो घेराव करो, परंतु इसने हमारी जो पुण्य जमीन है उसको उन्होंने चाइना को दे दिया, ये तो अब हम जवाहरलाल नेहरू को माफ नहीं किया, इनको भी नहीं माफ कर सकते। और आपको बिल्कुल साफ शब्दों में ये लगता है कि चाइना के संबंधों में मोदी जी ने झूठ बोला है और देश के साथ गद्दारी की है और सरेंडर किया चाइना के सामने, क्योंकि चाइना के पास इतने रहस्य हैं जो बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा कौन सा रहस्य होगा मोदी जी का जो कि मोदी जी दम डर गए, आपको क्या लगता है? कमजोरी है उसकी, उसको उससे फायदा उठाया 10 बार जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो गए और उसके जो चपरासी थे वहाँ एम्बेसडर के रूप में वो तो यही जयशंकर था, अब जयशंकर कितना दिन रखा जाएगा मैं नहीं जानता क्योंकि उसके ज्यादा कुछ काम नहीं था इस आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई कमजोर नब्ज है जो कि शी जिनपिंग ने पकड़ ली है? नहीं, चाइना ने पकड़ ली, शी जिनपिंग ने, चाइना ने पकड़ के रखी थी, शी जिनपिंग आया तो उसने देखा आहा।
नहीं तो वो क्या होती है, वो कमजोर नब्ज क्या हो सकती है? मैं नहीं बता सकता क्योंकि लोग बताएंगे कहेंगे कि तुम्हें क्या प्रूफ है नेक्स्ट प्रूफ। अब कोई मुझे विश्वास में, चाइना आज भी मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम जमीन वापिस नहीं करोगे। हमने एक समझौता की थी 1996 में, उसको कायम करना चाहिए। मेरी मीटिंग हुई थी तेंग शाओपिंग से, उन्होंने मेरी कहने पर कैलाश मानसरोवर ओपन की थी। अब ये सारी चीजों को भंग करके हम उनके सामने साष्टांगम दंडावत करें, ये तो हम तो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ पहले ये होना, उसके बाद ही दोबारा दोस्ती हुई। मैं चाहता हूँ हमारे साथ चाइना के साथ दोस्ती होनी चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत मिलन जुलन है और उनसे कई चीजें लेना देना है, ये सारी है, और वो हमें कभी हरा नहीं सकते। वो जवाहरलाल नेहरू का जमाना दोबारा कभी नहीं आएगा, बल्कि उनको तो सबक सिखाना चाहिए कि तुमने ये किया है हमारी पीठ के पीछे, तो हम आपको सिखाएंगे, सिखाना चाहिए। अमेरिका साथ देने के लिए तैयार है, अमेरिका के साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे चाइना को सबक सिखाने के लिए चाइना के अमेरिका के साथ आएंगे तो इसमें क्या बुरा है? उस समय दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हथियार तो अमेरिका के पास है। आज चाहे जो भी इसराइल कर रही है वो तो सारी अमेरिका के हथियार से कर रहे हैं। तो ये चाणक्य नीति जो है वो, उसके लिए आपको निर्धार होना चाहिए, और मोदी कभी चाइना चाणक्य की नीति नहीं अपना सकते। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।